इस वायदे के आधार पर आए थे हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री जी ने 2014 का अपना चुनाव का बिगुल बजाया था रेवाड़ी की पावन धरा से, वीरभूमि से, हरियाणा वीरभूमि जहां से मैं आता हूं। देश का हर दसवां सैनिक हरियाणा से, वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है, युवाओं में और किस लिए रोष है, 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने, जिसके जवाब में कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक ओर रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही है। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा आनन फानन में, बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वेकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने, तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में, 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग सैन्य बलों की के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं, इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीजों को नहीं मानते, विदेशों को ज्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़, वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इसराइल में, मैं आपको बताना चाहता हूं इसराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इसराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पे आपको 4 साल में, तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की आप सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए, ये
इसराइल से कहां से ले आए?